नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच सुपर 12 के ग्रुप 1 के मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने हैरान कर देने वाला खेल का नज़ारा पेश किया। इंग्लैंड ने इस मुकाबले में टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और इस दौरान इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों ने भी हैरान कर देते हुए सिर्फ 49 रन के स्कोर पर ही टीम के 9 विकेट गिरा दिए थे। आपको बता दें, पावर प्ले के अंदर ही टीम ने 31 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। टीम को चौथा झटका पावर प्ले के आखिरी गेंद पर लगा, जब क्रिस गेल टाहिल मिल्स की गेंद पर डेविड मलान को एक आसान सा कैच थमाकर वापस पवेलियन लौट गए थे। क्रिस गेल 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर वापस पवेलियन पारी के 6 ओवर के आखिरी गेंद पर गए। क्रिस गेल ने इस दौरान 3 चौके लगाए। क्रिस गेल अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन टाइल मिल्स की आखिरी गेंद एक शॉर्ट पिच गेंद थी जिसे वो पुल करना चाहते थे लेग साइड पर, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो गई। ऑन साइड पर फील्डिंग कर रहे डेविड मलान ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका और क्रिस गेल की पारी का अंत कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले ओपनिंग करने आए नेलन सिमंस और एवन लुइस की जोड़ी कुछ खास नहीं कर पाई थी और 9 रन के स्कोर पर ही दोनों ओपनर वापस पवेलियन लौट गए थे। आपको बता दें, वेस्टइंडीज की टीम ने हैरान कर देने वाला खेल दिखाया और 13 ओवर के खेल के बाद टीम 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 53 रन बना पाई थी। टीम के धुरंधर बल्लेबाज इस मुकाबले में बेबस नजर आए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।